नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल श्रवण GS क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि वर्तमान में पूरी दुनिया के सामने कितनी सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग चर्चा किए थे कि पूरी दुनिया के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका समाधान, उनका आकलन आज से लगभग 7-8 दशक पहले गांधी जी कर चुके थे। गांधी जी का जो विचार था कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे लालच को नहीं, ठीक है। और ये लालच कहीं ना कहीं आज पूरी दुनिया के सामने कैसी समस्या पड़ के उभरी है, इनके चर्चा आज हम लोग करेंगे और उनका समाधान आज हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो समाधान है मैंने कई सारा आर्टिकल पढ़ के, कई सारा पुस्तक पढ़ के अपने अनुभव से लाया है। अगर आप लोगों के सामने भी किसी समस्या का समाधान लगे कि ये हो सकता है तो आप लोग कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले समस्या का समाधान की। देखिए, वर्तमान में जो पूरी दुनिया के सामने जो समस्या सबसे बड़ी उभर रही है वो है युद्ध। आप लोगों को पता है कि दुनिया में कई स्थान में युद्ध चल रहा है। पिछले क्लास में हम देखे थे यूक्रेन रूस युद्ध, उधर आपका इजराइल हमास के बीच चल ही रहा है, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की समस्याएं स्थिति बन रही है, इधर चीन की महत्वाकांक्षा बढ़ रहा है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के साथ कई सारे समस्याएँ उभर रही है, ठीक है, अमेरिका के साथ कई सारे देशों के बीच टकराव उत्पन्न हो रहा है। यानी पूरी दुनिया कहीं कहीं कई सारे समस्याओं से ग्रस्त है। और उसमें सबसे पहले अगर हम युद्ध की बात करें, देखिए युद्ध का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की महत्वाकांक्षा। मनुष्य ने ऐसी महत्वाकांक्षा को पाल लिया है, ऐसी इच्छाओं को पाल लिया है जिनकी पूर्ति या तो प्रकृति का अधिक दोहन शोषण से हो सकता है, या तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, आवश्यकता नहीं अपनी इच्छाओं को, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करें, ठीक है। तो ऐसी मनुष्य इच्छाएं छोड़ दे तो युद्ध ही नहीं होगा, अपने सीमित आवश्यकता को रखे। देखिए, ये तभी हो सकता है, मनुष्य की महत्वाकांक्षा आवश्यकता सीमित तभी हो सकता है जब पूरी दुनिया क्या करे इसको लेकर के, इसके समाधान को लेकर के बच्चों में नैतिक शिक्षा दे ताकि आने वाला भविष्य सुधर सके। बच्चों को ये शिक्षा दे कि मतलब कि आने वाला भविष्य के समस्याओं से अवगत कराए, आने वाले भविष्य का समाधान से अवगत कराए, दुनिया के सामने कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, मतलब 6-7 क्लास से ही इनकी सब्जेक्ट में ये चीज़ें जोड़ा जाए और बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए स्कूलों में भी कॉलेजों में भी, ताकि बच्चे अपनी आने वाला भविष्य में ऐसी नैतिक शिक्षा दी जाए कि बच्चे अपने आने वाला भविष्य में ऐसी महत्वाकांक्षा न पाले, ऐसी इच्छाएं न पाले जिनका मतलब कि पूर्ति प्रकृति के दोहन शोषण से हो या मनुष्य एक दूसरे पे मतलब आक्रमण करके युद्ध करके हो, ऐसी इच्छाएं न पाले मनुष्य। इसलिए पूरी दुनिया को चाहिए कि अपने शिक्षा में मौलिक परिवर्तन करे, नैतिक शिक्षा जरूर लाए, क्योंकि नैतिक शिक्षा ही, नैतिकता ही समाज को बेहतर ढंग से चला सकती है। बिना नैतिकता का समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हालांकि नैतिकता के स्तर में वृद्धि हुई है, ठीक है, लेकिन नैतिक शिक्षा में कुछ ऐसे शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चे की महत्वाकांक्षा, इच्छाएं इतनी न बढ़ जाए कि वो उनका मतलब कि आवश्यकता की पूर्ति जो है प्रकृति के दोहन शोषण से हो। तो युद्ध और महामारी की भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन मनुष्य की महत्वाकांक्षा, मनुष्य की महत्वाकांक्षा इतनी हो गई है कि मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। प्रयोग तक ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनुष्य आगे ना बढ़े, साइंस में नया नया प्रयोग ना हो, प्रयोग ना होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा मनुष्य, प्रयोग हो लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं हो। दुरुपयोग के कारण समस्याएँ उत्पन्न होती है, प्रयोग के कारण नहीं होती है। मनुष्य आगे बढ़े लेकिन पृथ्वी की समस्याओं को, वर्तमान की समस्याओं को देखते हुए आगे बढ़े, उसके अनुकूल आगे बढ़े। दूसरा बात है तनाव और बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी के कारण तनाव उत्पन्न होता है। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोग अमीर इतने होते हैं उनके पास भी तनाव है, उनका भी हम बात करेंगे। देखिए, बेरोजगारी के कारण जो सबसे बड़ा तनाव है, पहले हम इसको देख लें। देखिए, होता क्या है ना, बेरोजगारी का सबसे बड़ा स्तर दिखाई देगा आपको गांव में, ठीक है। बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ दिखाई देता है? गांव में। तो यहीं से हम चर्चा करते हैं,
इधर इसको मिटा देते हैं। देखिए गांव में जब लोग बेरोजगार होते हैं, मैं वास्तविक बात करता हूँ, मैं प्रासंगिक बात करता हूँ, धरातल का, ठीक है, किताबी बात नहीं, वास्तविक बात करते हैं। देखिए गांव में जब लोग बेरोजगार होते हैं तो वो शहर आ जाते हैं, गांव छोड़ के शहर आ जाते हैं। गांव में उनका 4-5 फैमिली रहता है, 2-3 बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है, माता पिता रहता है, भाई रहता है छोटा, 4-5 फैमिली रहता है, गांव छोड़ के वो शहर आ जाते हैं। शहर में 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं असंगठित क्षेत्र में, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई दिहाड़ी में मजदूरी करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लाखों मजदूर हैं जो तनाव से ग्रस्त हैं। अमीर लोग भी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, 400-500 डेली कमाते हैं और अपने ऊपर भी खर्च करते हैं, क्योंकि शहर में रहने के लिए रूम चाहिए, उनको अच्छा किराया में रूम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो शहर में अच्छे रूम लेने के लिए 6-7 हज़ार महीना चाहिए। अब वो 10-15 हज़ार कमाते ही हैं तो वो 6-7 हज़ार का रूम कहाँ से ले पाएंगे। एक छोटा सा कमरा लेते हैं, उसमें 5-6 लोग रहते हैं, नीचे में दरी बिछा के सोते हैं, 300-400 कमाते हैं। और ये भी जो दिहाड़ी में मजदूरी करते हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगले दिन काम कैसे मिलेगा, कहाँ काम मिलेगा, ये भी सोचना पड़ता है कई सारे लोगों को। कई सारे लोग रिक्शा चलाते हैं, किसी दिन 300 कमाए, किसी दिन 1,000 भी कमा लिए, किसी दिन काम भी नहीं हुआ, ठीक है, ये भी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब शहर में समस्या ये है कि उनकी उनका भी खर्च है, कम से कम 4-5 हज़ार खर्च तो हो ही जाता है इस महंगाई के दौर में। वो मान लीजिए वो 15 हज़ार कमाते हैं, 5 हज़ार खर्च किए तो 10 हज़ार बचा। एक तनाव तो उनको ये है कि शहर में रहने खाने की समस्याएं हैं, वो चिंताएं में डूबी रहती अगले दिन काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या 10 हज़ार जो बचाएंगे वो कैसे बचाएंगे, कम से कम उपयोग करते हैं, कभी खाना कम खाए, कभी पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। अच्छे अच्छे लोग तो एसी कूलर लगा के काम चलाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो मजदूर हैं वो झुग्गियों में रहते हैं, उनके पास ठीक से पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, बिजली भी कटती है, कई सारा तनाव है शहर में। दूसरा बात सबसे बड़ा ये है, यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, अपना काम करते हैं, किसी से अगर बीमार पड़ गए तो खुद अपना देखभाल करना पड़ता है, देखने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। एक तो उनके ऊपर एक दबाव ये है कि अगले दिन काम मिलेगा या नहीं, ये तनाव में रहते हैं। दूसरा बात ये है कि काम मिलेगा भी तो इतना पैसा में फैमिली कैसे चलेगा, ये तनाव में है। बताइए 10 से 15-10 हज़ार बचाएंगे, घर में 5 फैमिली है तो 5 फैमिली में अगर 3 को अगर उनका बच्चा है, 3 बच्चे को पढ़ाना आज के दौर में कितना मुश्किल है इस महंगाई में, प्लस में उनका पेट पालना, कॉपी किताब खरीदेंगे, कपड़ा देंगे, उसको पढ़ने के लिए ट्यूशन लगाएंगे, क्योंकि सरकारी व्यवस्था क्या है आप सभी को पता है, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ के आपका बच्चा IAS और BDO CO SDM SDO बन सकता है क्या, बिहार पुलिस भी नहीं बन सकता है जब तक उनको प्राइवेट में ट्यूशन न मिले क्या, और 10 हज़ार में वो काम चलाता है, ठीक है, ये सारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है। यानी गरीब तनाव में इसलिए हैं, गरीब तनाव में इसलिए हैं क्योंकि वो पेट पालने के लिए अपने बच्चों को, अपने माता पिता को छोड़ के बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, बीमार पड़ते हैं खुद अपना देखभाल करते हैं, क्योंकि शहर में कोई किसी को नहीं पूछता है, ठीक है, ये तनाव का सबसे। शहर के लोग तो पहले से ही तनाव में हैं क्योंकि किसी को किसी से मतलब नहीं है, पैसा तो बहुत कमा लिए हैं अमीर अमीर लोग, पैसा तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन उनका फैमिली उनके साथ नहीं है। यानी अमीरों की समस्या है कि उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उसका दुख तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है, और गरीबों के पास ये समस्या है कि वो अपने पेट पालने के लिए अपने फैमिली से दूर रहते हैं, उनके तनाव है। तो तनाव का कारण बेरोजगारी भी है और अमीरी भी है, ठीक है। और बेरोजगारी का समाधान क्या है, देखिए गांधी जी कहते थे कि भारत गांवों का देश है, और वास्तविक में गांव का ही समाधान करके, गांव का ही विकास करके भारत जैसे देश का समाधान हो सकता है या दुनिया के और कई देशों का समाधान हो सकता है, क्योंकि गांव में ही अधिकतर लोग रहते हैं, और जब तक गांव का समाधान नहीं होगा भारत का समाधान या कई देशों का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि गांव छोड़ छोड़ कर के लोग शहर में जाके छोटे से बड़े से गांव छोड़ के गए और एक छोटे से शहर में जाके बस जाते हैं,
शहर की जनसंख्या दबाव बढ़ती है, शहर में भी मतलब स्थिति खराब होती जा रही है, आप लोगों को चर्चा ही किए थे। शहर में जाके अब कई सारे मजदूर आते हैं तो जो नीचे में सोने वाला रूम है उसका किराया जो है कि 4-5 हज़ार लग जाता है, जिसमें 5 लोग नीचे सो के जीवन गुजार रहे हैं, किराया बढ़ जाता है, पानी की समस्या उत्पन्न होती है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, साफ सफाई की समस्या उत्पन्न होती है, जनसंख्या का दबाव शहर में बढ़ जाता है जिसके कारण महंगाई बढ़ जाता है। ठीक है, अब युवा अपने घर छोड़ के जब बाहर आए शहर आए तो गांव में सिर्फ महिला और बुजुर्ग रह गए, पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे, और बुजुर्ग में वो कुशलताएँ नहीं होती जो युवाओं में होती है, जिसके कारण से खेती की जो उत्पादकता है वो कम हो गई, क्योंकि युवा बेहतर उत्पादन कर पाते थे, बुजुर्ग उतना कर नहीं पाते हैं। गांव में महिलाएं और बुजुर्ग बच गए हैं, उम्रदराज लोग बच गए हैं, जिसके कारण से गांव का उत्पादन जो है कृषि का उत्पादन कम हो गया। इसलिए गांधी जी आज से 7 दशक 8 दशक पहले ही कह चुके थे कि गांव का विकास करके ही हम भारत का विकास कर सकते हैं, क्योंकि भारत गांवों का देश है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए या दुनिया का किसी भी सरकार को चाहिए कि वो गांव का विकास अच्छे से करे। मैं इसमें और एक प्रासंगिक बात कहता हूँ, ठीक है, जो धरातल की बात है, जो गरीबों की समाधान की बात है, ठीक है, जो मैंने सोचा है खुद, ठीक है, मुझे लगता है कि जैसे 10 से 5 हज़ार या 10-15 हज़ार कमाने के लिए लोग शहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास कृषि है, खेती है, मेरा कई सारा लोग मैं जानता हूँ जिनके पास थोड़ा सा खेती गृहस्थी है, ठीक है, जो गांव में अच्छा से जीवन गुजार सकता है, लेकिन खेती छोड़ के वो शहर आ जाते हैं 10-15 हज़ार नगद कमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि खेती में भी उतने फायदा होता नहीं है, लेकिन खेती से आप फायदा कर सकते हैं। देखिए, आप खेती कीजिए, गांव में रहिए। पहले क्या होता था, लोग खेती के साथ साथ ऐसा मतलब गाय पालन करते थे, जो भारत के गांव को गाय को टी कप काऊ कहा जाता है, यानी एक कप चाय मतलब बने उतना ही दूध देने वाला गाय। लेकिन अब ऐसा गाय आ चुका है जो एक टाइम में 10 लीटर भी दूध देता है, 12 लीटर भी दूध देता है, ठीक है, 5 लीटर भी दूध देता है, खाएगा तो उतना ही, ठीक है। इसलिए अगर आप कृषि करें, ठीक है, कृषि करें और गौ पालन करें, अब पहले वाला स्थिति नहीं रह गया कि आप वो टी कप काऊ पालेंगे, आप अच्छा गाय पालें जिससे कि आपका कम से कम 10-15 लीटर दूध डेली हो सके, ठीक है, यानी कृषि के साथ साथ जिनके पास ये सुविधाएं हैं वो शहर ना जाएं। अगर कृषि भी कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से ऐसा कृषि करें जिससे आपका उत्पादन भी बढ़े, जैसे कृषि कर रहे हैं साइड में जो है कि पपीता का पेड़ लगा दिए, चारों तरफ पपीता का पेड़ लगा दिए, ठीक है, इसमें अब इसमें खाद डाल दीजिए हर जगह। अगर आपका खेत बंजर भी है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन खेत में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पेड़ लगा दिए, यहाँ खाद डाल दिए, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया गोबर से और कई सारे चीज़ें तैयार करके खाद डाल दीजिए, और यहाँ चारों तरफ क्या लगा दीजिए, पपीता लगा दीजिए, बीच में खेती भी हो गया। शहर में पपीता का जो रेट होता है ना वो लगभग 40-50 रुपया केजी होता है, लेकिन गाँव में आपका पपीता कच्चा 10 रुपया केजी बिकेगा। अब ऐसा पपीता का गाछ आ गया है जो कि मतलब 3 महीने में तैयार हो जाता है, जिसमें एक एक 1.5-1.5 क्विंटल पपीता फरता है, ठीक है, अब 10 रुपया केजी बिकेगा आपका पपीता, और एक गाछ में अगर 1 क्विंटल हुआ 3 महीना में तो आप जोड़ लीजिए कितना पैसा होगा। आप चारों तरफ पपीता का भी खेती कर लिए, पपीता भी हो गया जिससे आपको नगद पैसा आ जाएगा, आपका खेती भी हो जाएगा, प्लस में इसी खेती से आप गाय भी पाल रहे हैं, क्या गाय 10 से 15 लीटर दूध देती है आपका, जिससे आपको जो है गाय कम से कम 10 से 15 लीटर दूध देगी तो आपका खाएगा भी 7-8 हज़ार महीना खाएगा। लेकिन ये 10-15 लीटर दूध देगा आपका तो वो 10-15 लीटर दूध का रेट आप जोड़ लीजिए, ठीक है, कम से कम नहीं भी तो 16-17 हज़ार महीना तो आ ही जाएगा, जिसमें वो 7-8 हज़ार खाएगा, ठीक है। कृषि से अनाज होगा आपका, इस अनाज से आप गाय पालेंगे, गाय आपका दुग्ध का उत्पादन करेगा, जिससे दुग्ध उत्पादन भी भारत में बढ़ेगा, प्लस में गाय का बछड़ा जो आपका तैयार होगा, जो किसानों के लिए प्रासंगिक है, कभी कभी बाछी होगा, कभी बाछा होगा जो गांव में कहते हैं उसको, अगर बाछी हुआ तो साल में आपका 20-25 हज़ार वो मुनाफा देगा, ठीक है, प्लस में आप पपीता लगा दीजिए,
पपीता टूट गया, उसके बाद कुछ और लगा दीजिए, सब्जी का उत्पादन कर ले जिससे आप नगद कमा सकें। ठीक है, मक्का गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन तो करें ही, लेकिन साइड में कुछ ऐसी खेती कर लीजिए जिससे कि आपका घर परिवार चल सके, आपका खेती से गाय भी पालन हो सके। ठीक है, और 10-15 हज़ार आप शहर में जाके कमाते हैं, बाल बच्चों से दूर रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ठीक है, और मतलब 5 हज़ार अपने में खर्च करते हैं, 10 हज़ार घर भेजते हैं, उससे कुछ होता नहीं है, सब चीज़ें खरीद के खाना पड़ता है। अगर आप वास्तविक में गांव में खेती करेंगे और खेती से गाय पालन करेंगे, खेती ऐसा कीजिए, अगर आप मान लीजिए किसी का खेत में उपजाऊ नहीं है, उसमें जो है गाय का पालन स्टार्ट कर दिए, उस खेत में छोटा सा 2-4 गाय से स्टार्ट कीजिए और गौ पालन स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ गाय का रहने का व्यवस्था बना लीजिए, धीरे धीरे वो आपका व्यवसाय बढ़ेगा। आप बकरी पालन स्टार्ट कीजिए, एक एक बकरी का दाम 15-15, 16-16 हज़ार मिलता है। ठीक है, व्यवसाय स्टार्ट कीजिए, वो प्रासंगिक है समाज के लिए। ठीक है, गरीबों के लिए, उससे बेरोजगारी दूर हो सकता है। और सरकार को भी इसमें ध्यान देना होगा कि सरकार को भी चाहिए कि स्थानीय स्तर पर मंडी का विकास करे, यानी कि अगर किसान दुग्ध उत्पादन करेंगे तो उनको बेचने का व्यवस्था हो, अगर पपीता उत्पादन करेंगे तो उनके लिए मार्केट उपस्थित हो। ठीक है, वो है भी, आप करेंगे तो वो होगा। इसलिए बेरोजगारी दूर करने का समाधान है कि गांव का विकास हो। ठीक है, और बेरोजगारी इस प्रकार से ही दूर हो सकता है, ताकि गांव का विकास जब तक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए गांव का विकास करके, गांव को बेहतर बना करके ही लोगों की बेरोजगारी दूर हो सकती है, क्योंकि कृषि सेक्टर जो है 50-60% रोजगार दे सकता है। युवा जाकर के बाहर में 10-15 हज़ार कमा लेंगे लेकिन खेती नहीं करेंगे, ये परसेप्शन हो गया है, मानसिकता हो गई है, लेकिन यह गलत है। आप अगर कृषि से अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, 8-10 हज़ार इससे मतलब खेती से आपका 1-1.5 लाख रुपया हो जाएगा साल में। मान लीजिए आप 100 गाछ लगाए पपीता का, ठीक है, कुछ कृषि भी हो गया जिससे आपका गाय पालन हो गया, गाय से दुग्ध भी उत्पादन होगा। ठीक है, और वो भी मार्केट में जाएगा तो लोगों को दूध भी मिलेगा। ठीक है, और अगर ऐसे में लाखों लोग अगर ऐसा काम करे, ठीक है, तो गांव का विकास हो सकता है। थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना होगा मार्केट की व्यवस्था में। ठीक है, देखिए ये सारी समस्याएं हैं। और कई सारे लोगों को मैंने ये देखा कि कुछ लोग कमाते हैं और जैसे छोटा मोटा जिनका मतलब कि महत्वाकांक्षा है लोगों का, ये और कुछ नहीं है। और वर्तमान में आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि हिंदुजा फैमिली, हिंदुजा जो है कंपनी है, आप लोगों को पता है उनका कई सारा मतलब चीज़ें में, क्षेत्रों में व्यवसाय फैला हुआ है। ठीक है, मोटर कार में, गाड़ी में, मीडिया क्षेत्र में, कई क्षेत्र में उनका रोजगार फैला हुआ है। वो भारत का 7वां सबसे अमीर आदमी है, इंग्लैंड का सबसे अमीर आदमी है वो, हिंदुजा फैमिली। और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया, कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया, आप लोग देखे होंगे पिछले दिन न्यूज में, कि वो भारत से जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे मजदूर को लेकर के गए और मजदूर के एक काल कोठरी में बंद कर दिए, उनसे 18 घंटा काम करवाए। ठीक है, और उनको मजदूरी 640 रुपया प्रतिदिन दिए, जबकि वहाँ के अनुसार उनको मजदूरी मिलना चाहिए था, लेकिन उनको यहाँ के अनुसार मजदूरी दिया गया, 8 घंटा के जगह 18 घंटा काम करवाया गया। और एक मजदूर पे वो एक साल में 2,38,000 खर्च किए, एक मजदूर पे, इंसान पे वो 2,38,000 खर्च किए और अपने कुत्तों को पालने के लिए 8 लाख रुपया सालाना खर्च किए। ये सबसे बड़ी मनुष्य की जो खामियाजा है ना, मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से जो मतलब इतनी घृणा करने लगा है, इसी को कहेंगे सामाजिक विच्छिन्नता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सम्मान नहीं करता है। कुत्ता पालन में लोग जो है, कई सारे हम फैमिली को देखते हैं कि एक दो कुत्ता पाल लिया है, जिनके ऊपर वो प्रतिदिन, मैंने कई सारे फैमिली से पूछा, कम से कम 15-20 हज़ार महीना खर्च करता है, मिनिमम 8-10 हज़ार उनका पेडिग्री आता है खाने के लिए कुत्ता का, जो वो कुत्ता डेली 200-300 खा जाता है। कई सारे कुत्ता को डेली प्रतिदिन 1.5-2 kg मीट दिया जाता है, जो बड़ा सा कुत्ता होता है, मैंने कई सारे फैमिली को दिल्ली में पूछा है।
ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रतिदिन इसको 1.5 kg मीट खिलाते हैं, उसके पीछे वो मजदूर लगा दिया है। कुत्ता से क्या फ़ायदा होता है? कुछ नहीं। 50-60-70 हज़ार में कुत्ता खरीद के लाएंगे, उनके पीछे मजदूर लगा देंगे, डेली उनको 400-500 रुपया खिलाएंगे। जितना एक मजदूर कमाता नहीं है, उतना अमीर लोग ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षा पाल के रखे हैं जितना वो कुत्तों के पीछे खर्च कर देता है। क्या ये वास्तविकता महत्वाकांक्षा सही है? लोग कहेंगे ये मेरी इच्छा है, हम कुछ भी करें। भाई इच्छा आप ऐसे पालें, महत्वाकांक्षा ऐसा रखें जिससे प्रकृति को भी फायदा हो, दूसरे समाज को भी फायदा हो। ऐसी महत्वाकांक्षा क्यों पालें जिससे आपका भी नुकसान हो, समाज का भी नुकसान हो? वो कुत्ता पाल लेंगे और वो कुत्ता के पीछे वो मजदूर लगाएंगे, उसको सोफा में सुलाएंगे, उनको डेली 1.5 kg मीट खिलाएंगे। सोचिए, उसके जगह अगर वो दो मजदूर को रखते तो मजदूर उनका काम भी कर देता, प्लस में दो मजदूर को रोजगार भी मिलता। और कुछ लोग मजदूर को रखेंगे भी तो उनको 5-7 हज़ार देंगे घर में काम कराने के लिए, 10 हज़ार देंगे, उनका शोषण करेंगे, 8 घंटा के जगह 10 घंटा काम करवाएंगे, ठीक है, लेकिन कुत्तों के पीछे 20 हज़ार खर्च कर देंगे। ये मनुष्य की गलत महत्वाकांक्षा है या सही महत्वाकांक्षा है, बताइए आप। अगर उसी कुत्ता के जगह वो गाय पालन करते, गाय दुग्ध भी देता और गाय पालन में दो मजदूर लगा देते, ऐसे लाखों फैमिली है भारत में जो कुत्ता पालन करते हैं, उनके पीछे एक मजदूर लगा देते हैं। अगर वो कुत्ता पालन के जगह गाय पालन करेंगे तो उनका दो, मतलब कि उनके पीछे दो मजदूर लगा देंगे तो गाय दूध भी उत्पादन देगा, प्लस में एक जानवर भी पला जाएगा, ठीक है, प्लस में दो मजदूर को मजदूरी भी मिल जाएगा, और गाय से जो दूध उत्पादन होगा उससे 15-20 हज़ार वो कमा भी लेंगे। ऐसा काम क्यों ना करें? लेकिन लोग कहेंगे मेरी इच्छा। भाई इच्छा ऐसी क्यों रखें? इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल कॉलेज में नैतिक शिक्षा दी जाए जो समाज के लिए प्रासंगिक हो, जो समाज के लिए बेहतर हो। मैं ऐसी शिक्षाओं की बात करता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों पाले? अब कुत्ता पालने के पीछे लोग खर्च करते हैं, लोग अपने आप को दिखाते हैं कि मैं कुत्ता पालता हूँ। भाई आपका दिखाने से दिखावा नहीं होता है, मनुष्य का जो दिखावा है वो किरदार में झलकता है, उनकी बातों से झलकता है, ठीक है। इसलिए दिखाने से कुछ नहीं होता है, देखने वाला तो खुद ही पहचान लेता है कि आपके हुनर क्या है, और हुनर को दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इसलिए नैतिक शिक्षा दी जाए बच्चों को। और कई सारी समस्याएं हैं, सामाजिक विच्छिन्नता, यानी कि एक दूसरे का समाज में किसी से मतलब नहीं रह गया अब, ठीक है। पलायन की समस्या बताएं दिए कि बेरोजगारों के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, पलायन, हिंसा आप लोग समझ ही रहे हैं। अब वो कुत्ता जो पालन करते हैं, कुत्ता कभी कभी उनका घर में बच्चों को काट लेता है, कभी उनको काट लेता है। मैंने कई बार ये चीज़ें सुना है। मैंने एक फैमिली के यहाँ फ्लैट लेने गया था, उनसे पूछा, बोला कि एक बड़ा सा कुत्ता था जो जर्मन डॉग होता है ना, बड़ा सा, ऑफिस में बैठा के रखा था। मैंने बात करने गया, डर गया, तो मैंने उनसे पूछा भी, भाई साहब इसके बारे में बताइए जरा सा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इनको डेली 1.5 kg मीट भाँप के खिलाता हूँ। उन्होंने एक स्टाफ रखा था उसके लिए, 1.5 kg मीट उसको डेली खिलाता है। और वो पैर, मतलब जो क्या कहते हैं, मुर्गा का जो पैर होता है ना, वो उसको भाप के उबाल के खिलाते हैं, ऐसे ही उन्होंने बताया। कई सारा फैमिली उसे बताइए 1.5 kg मीट उनको खिलाते हैं, यानी कि 1.5 kg मीट का रेट कितना हो गया, 300-400 हो ही गया होगा, 300 लगभग, ठीक है। और एक टाइम में, प्लस में उनका पेडिग्री अलग, उनको दूध अलग पिलाते हैं, और क्या क्या पाव रोटी में दूध घोल के क्या क्या खिलाते हैं, उतना खर्च कर देंगे, लेकिन एक मजदूर को नहीं रखेंगे, ठीक है। एक इंसान के साथ अगर इंसान को रखेंगे भी तो उनका जानवर की तरह शोषण करेंगे, कुत्ता को सोफा में सुलाएंगे, और अगर अपने यहाँ मजदूर रखेंगे तो नीचे चटाई बिछा के सोने दे देंगे। ये ऐसा महत्वाकांक्षा क्या अच्छी है? इसलिए कहना नैतिक शिक्षा होनी चाहिए समाज में, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएँ हैं, और ये सब समस्याओं का समाधान यही है कि लोग जो है ग्रामीण स्तर पे सरकार विकास करे, गांव का लोग जो है ना बकरी पालन करे, युवा भी कर सकता है, युवा गांव में जा, शहर में जाके रिक्शा खींच लेंगे, गांव में कृषि नहीं करेंगे, ये गलत मानसिकता है। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे आप अच्छा काम कीजिए, समाज को रोजगार मिलेगा उससे। कृषि कीजिए, आप कृषि कर रहे हैं, कृषि के साथ साथ अच्छा गौ पालन कीजिए। अब सरकार लोन भी देती है कि आप गाय खरीदिए, गाय का लोन देती है सरकार,
ठीक है, सारा चीज़ें डिजिटल हो चुका है। अगर ऐसा नहीं हो पाए, आप समस्याओं को लेके जाइए, आप मीडिया में आइए, बताइए लोगों को, ठीक है, ऐसा कृषि कीजिए जो प्रासंगिक हो सके। अब चारों तरफ पपीता लगा दिए, बीच बीच में मिर्ची लगा दिए, कहीं लहसुन प्याज लगा दिए छोटा छोटा, घर का भी खेती, घर का भी खाने के लिए लहसुन प्याज हो गया, मिर्ची हो गया, पपीता हो गया, प्लस में मार्केट में भी हम बेच ले रहे हैं, इसी से गाय भी पाल ले रहे हैं, बच्चों को भी दूध मिल जा रहा है, मार्केट में भी सप्लाई करते हैं, साल में गाय से 2-3 बछड़ा हो जाता है, अगर 2-3 गाय रखे हैं तो एक अगर एक दो गो बाछी हो गया, वो एक्स्ट्रा इनकम हो गया साल में, पूंजी 40-50 हज़ार उससे मिल जाएगा, ठीक है, ये प्रासंगिक है। बाहर में जो आप मजदूरी करने जाते हैं, तनाव में रहते हैं, उससे बेहतर है कि आप ऐसा काम कीजिए गाँव में, ठीक है, और कुछ स्तर सरकार को भी ऐसे ऐसे गाँव को विकास करना होगा, और हम कई सारे समाधान बता सकते हैं, जैसे गाँव में कुटीर उद्योग लगा दिया जाए, ठीक है, यानी कि जो गांव में उत्पादन होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग शहर, मतलब शहर में ना हो, गांव में ही हो, यानी गांव में कच्चा माल तैयार होकर शहर में जाता है, लेकिन गांव में ही कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग लगा दिया जाए जिसमें 4 से 5 मजदूर काम करे, यानी मजदूरी भी मिल जाए लोगों को, प्लस में उत्पादन का मैन्युफैक्चरिंग जो है कि गाँव से ही गाँव में ही मिल जाए, इससे सस्ता भी होगा न, महंगाई भी कम होगा, ठीक है, कई सारा समाधान है और मैं बता सकता हूँ, लेकिन चलिए और आगे हम बात करेंगे कि बच्चों को वास्तविक रूप में नैतिक शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, बच्चों का मानसिक विकास बेहतर कैसे हो, इसका भी वीडियो हम आगे बनाएंगे। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे कई सारे बातों का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक फैलाइए, पहुँचाइए, ठीक है, और कमेंट कीजिए कि हम ऐसी वीडियो और बनाएँ वास्तविकता के लिए, वास्तविक समाज के लिए, वर्तमान समाज के लिए। थैंक यू।